नमस्कार दोस्तों, मैं देव शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि हर एक नीट एस्पिरेंट का सपना होता है कि मैं उन बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लूं जो कि देश की सबसे प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज है। तो आज उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस के बारे में अपन बात करेंगे, कौन कौन सी वो मेडिकल कॉलेज और उनकी फ़ीस कितनी कितनी है, कि एक स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे यदि जाएगा तो अपने सपने को पूरा करने के लिए उसको कितना खर्चा देना होगा और उसका रिटर्न उसे किस तरीके से मिलेगा, उसके बारे में मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। और साथ ही आपको बताने वाला हूँ, लास्ट तक आप वीडियो को देखिए, लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊँगा जो आपको जाननी होगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आज बताने वाला हूँ प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेजेज के बारे में, टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेज जो कि टॉप है। पहली है एम्स, भारत में MBBS करने के लिए सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज एम्स है, जिसमें 807 सीटें ही हैं। यहाँ 4 साल 6 महीने में MBBS की डिग्री मिल जाती है। एम्स में MBBS करने के लिए आपके एक साल में 28,430 रुपये फ़ीस चुकानी पड़ेगी। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ऐसे कई कॉलेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एम्स में सीट बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण आपको फ़ीस एक साल में 28,430 रुपये चुकानी पड़ती है। MBBS करने के लिए दूसरा सबसे अच्छा विकल्प पुणे में मौजूद आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज AFMC है। इस कॉलेज में नीट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एडमिशन मिलता है। यहाँ 5 साल में MBBS की डिग्री दी जाती है। AFMC से MBBS करने के लिए आपको एक साल में 7,10,000 रुपये फ़ीस जो है चुकानी पड़ेगी। यह बहुत महंगी कॉलेज है, लेकिन इस आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज से जब आप MBBS करेंगे तो आपको जो है वो बहुत अच्छी यहाँ पे शिक्षा मिलेगी और एक एक्सट्रीम ही लेवल का जो है वो आपको यहाँ पे हर चीज़ देखने को मिलेगा। तब इसकी फ़ीस जो है वो 7,10,000 रुपये पर ईयर आपको चुकानी पड़ेगी, जबकि एम्स में आपको 28,430 रुपये चुकाने पड़ रहे थे। 3 नंबर कॉलेज है तमिलनाडु की क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC, देश का 3रा सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। इस कॉलेज में 4 साल 6 महीने में MBBS की डिग्री दी जाती है। यहाँ से MBBS करने के लिए आपको हर साल 1,12,750 रुपये फ़ीस जो है वो चुकानी होगी। इस कॉलेज में भी नीट से ही एडमिशन मिलता है। तो दोस्तों, CMC जो कॉलेज है, क्रिश्चियन मेडिकल जो कॉलेज है, वो भी मेडिकल की बहुत अच्छी कॉलेज है। इसमें 1,12,750 रुपये फ़ीस है। लेडी हॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये बहुत ही अच्छी मानी जाने वाली जो है वो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है LHMC जो दिल्ली में है। यहाँ 5 साल में MBBS की डिग्री दी जाती है। एक साल की फ़ीस 6,50,200 रुपये है। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि इसमें 6,525 रुपये गलत जो है वो छापे गए हैं। इसमें इसकी फ़ीस जो है वो 6,50,000 के अराउंड यहाँ पे है। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च JIPMER पांडुचेरी देश का 5वां सबसे अच्छा कॉलेज है। इस कॉलेज में 5 साल में MBBS की डिग्री दी जाती है। एक साल की फ़ीस 31,000 रुपये है। इस साल से JIPMER को भी नीट में सम्मिलित कर लिया गया है, तो इसमें भी अब नीट से ही एडमिशन होगा। इसके अंदर अच्छी सीट भी है और ये कॉलेज भी बहुत अच्छी है। 31,000 रुपये में आपको बहुत अच्छी जो है यहाँ पर हर चीज़ जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेगी, स्टडी वगैरह। तो दोस्तों, ये थी देश की सबसे बेहतरीन कॉलेजेस जो मैंने आज आपको बताई। इसके अलावा दोस्तों, अब वो आ गया समय जब मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ आज का, मैं जो मैंने स्टार्टिंग में वादा किया था, तो स्टार्टिंग के अंदर वादे को मैं निभाऊंगा। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद यदि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सराहा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाइक आएगी, तो मैं इसके बाद में एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा देश की ऐसी मेडिकल कॉलेजेस जिनमें यदि आपके 300, 250, 350 अंक भी नीट के अंदर मिलते हैं तो आप वहाँ पे अच्छे तरीके से एडमिशन ले सकते हो। ये एकदम लीगली प्रोसेस होगी और यहाँ पे आपको जो है वो 1% यहाँ पे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से जो हूँ मैं ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो अगली वीडियो बनाने वाला हूँ। इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचाएँ, जिससे उनका भी मनोबल बढ़े कि हाँ भाई, मैं भी मेहनत करूँगा और मैं इन टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।